जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में डीसी रामबन ने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें एसएसपी रामबन अनीता शर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर इकबाल भट्ट, डीएसपी ट्रैफिक अजय आनंद, एआरटीओ शफकत मजीद और सिविल क्यूआरटी रामबन के सदस्य, ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान व कई एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ साथ छात्र भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह की शुरुआत पावर पॉइंट प्रस्तुति करने के अलावा सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर डीसी रामबन नाजिम जाई खान ने कहा कि इस हाईवे पर कई लोग, खासकर युवाओं ने दुर्घटना में जान गंवाई है, इसलिए सड़क स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सबको और अधिक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम दुर्घटनाओं से बच सके। आखिर में उन्होंने चित्रकला, जागरूकता रैली, मेडिकल कैंप व सेमिनार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के अलावा अन्य प्रतिभागियों को भी डीसी द्वारा सम्मानित किया। 31st नेशनल रोड सेफ्टी वीक का कंक्लूडिंग सेरेमनी हमने आज अटेंड की यहाँ रामबन में। पिछले पूरे हफ्ते बहुत सारे कार्यक्रम रोड अवेयरनेस और सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना ड्राइवरों को और जितने सिटीजन्स हैं हम चला रहे हैं, और उसी की आज कल्मिनेशन हुई यहाँ। और रोड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व करना एक अवेयरनेस जनरेट करता है ड्राइवर्स के अमंग, ताकि वो सेफ्टी और प्रोसीजर्स को फॉलो करें।